एस जयशंकर ने किया ऐसा कारनामा कि एक झटके में चीन का हो गया हृदय परिवर्तन। चीन बोला, पाकिस्तान को पीओके भारत को दे दो तो युद्ध नहीं झेल पाएगा भारत के साथ। चीन की यह हालत देख शाहबाज हुआ हैरान और बोला कि हम पीओके देने को हैं तैयार। दोस्तों, इस समय भारत के पीओके को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि भारत के जो दुश्मन देश हैं वह भी भारत के सामने घुटनों पर आ गए। भारत ने उनका इस तरह हृदय परिवर्तन कर दिया है कि जिस चीज के लिए दशकों से भारत आस लगाए हुए बैठा है वह अब सच साबित होने जा रही है। जिस चीज को हासिल करने के लिए इतिहास में कई युद्ध हुए फिर भी भारत के हाथ वह चीज नहीं लग पाई। लेकिन दोस्तों, अब सारी परिस्थितियों भारत की कंट्रोल में है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से लगातार चीन को जिस तरह से आंखें दिखाई गई हैं, उसके बाद चीन अब समझ चुका है कि भारत कुछ अलग ही मूड में आ चुका है और इसको लेकर के चीन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जी हाँ, पीओके को लेकर के चीन की तरफ से इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही जहां पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है तो वहीं इस खबर को लेकर के पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। पाकिस्तान, जिसे अब तक चीन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को पूरी तरह से पता चल चुका है कि चीन ने उसके पीछे से हाथ खींच लिया है, क्योंकि पीओके को लेकर के चीन ने स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि पाकिस्तान को पीओके अब भारत को दे देना चाहिए। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत अहम गुपचुप मीटिंग भी बीते एक दिन पहले देर शाम रखी थी, जिसके बाद यह निर्णय अब सामने आ चुका है और इसको लेकर के पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस तरह से भारत ने पीओके को लेकर के अपनी राय और अपना दावा ठोकते हुए कहा था कि वह अब पाकिस्तान से अपना पुराना हिस्सा पीओके लेकर रहेगा, जिसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत पाकिस्तान के पीओके को लेकर के चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही थी। लेकिन दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे युद्ध जैसी स्थितियों और हालातों के बीच जिस तरह से बीते एक दिन पहले इसराइल ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी थी और कहा था कि भारत के लिए एक और युद्ध सही, उसके बाद से चीन को आभास हो गया है कि अगर भारत को पीओके नहीं वापस किया जाता है तो पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन खुद भी अब भारत के आगे झुकने को तैयार हो चुका है, क्योंकि चीन ने भारत के सबसे अहम इलाके जिस पर उसने 1962 में लगभग 60 साल से कब्जा कर रखा है उसे भारत को वापस करने की वकालत भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इसको लेकर के चीन ने अपनी तरफ से क्या रिएक्शन दिया है, साथ ही साथ पाकिस्तान का इस पर क्या जवाब आ चुका है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत को जो यह पीओके मिलने जा रहा है इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने बीते कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशन के अंदर विश्व गुरु के मंच पर विराजमान होकर एक बार फिर से अपना वह रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे यह साफ पता चल चुका है कि भारत अब किसी देश के आगे झुकने वाला नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से इसराइल ईरान आपस में पूरी तरह से भिड़ चुके हैं और इस पूरे वॉर में अमेरिका ने भी अपना कदम रख दिया है, ऐसी स्थिति एक बार फिर से एशिया के अंदर न बन जाए। इस स्थिति को रोकने के लिए पूरी की पूरी ताकत संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों ने झोंक दी है और चीन ने भी इस बात को बेहतर समझते हुए पाकिस्तान और भारत को लेकर कि जो पीओके का मुद्दा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हिदायत दे दी है पाकिस्तान को। चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि इतना समझाने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान पीओके को लेकर के भारत से भिड़ता है तो इसमें चीन पाकिस्तान को कोई सपोर्ट भी नहीं करने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने आप को इस मुद्दे से अलग कर लिया है। वजह आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है कि वह चीन
जो अब तक पीओके को लेकर के लगातार भारत को निशाने पर लेता था। अक्साई चीन को लेकर के और अरुणाचल प्रदेश को तो अपना हिस्सा तक बता देता था। वह आखिर अपने कदम पीछे क्यों खींच चुका है? क्यों आखिर एक बार फिर से इन सभी परिस्थितियों से चीन बाहर निकलने की कोशिश में है? क्या चीन का हृदय परिवर्तन हो चुका है? तो नहीं दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से हालात बन चुके हैं और भारत ने जो आक्रामकता अपनी दिखाई है पीओके को लेकर के, इससे साफ पता चल चुका है कि भारत अब कोई लंबा समय पीओके में नहीं बिताने वाला है। और वह अभी तक पाकिस्तान को सीधे तौर पर सख्त चुनौती ही दे रखी है, लेकिन अब आगे भारत पाकिस्तान को काउंटर करने की भी तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान को एक ही जंजीर में बांधने के फिराक में है। और यही वजह है कि बीते एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान ने एक सीक्रेट गुप्त मीटिंग रखी थी, जिसमें पीओके को लेकर के बात सामने आई थी। और इस मीटिंग के बाद ही चीन ने पीओके को लेकर के अहम अपना बयान दिया है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान को अब वह समय आ गया है जब भारत को उसका पीओके वापस कर देना चाहिए। अब इसमें दो शब्द सबसे अहम महत्वपूर्ण रहे हैं चीन के इस पूरे कथन में, पीओके जो कि भारत का ही हिस्सा है। जी हाँ, पीओके जो कि भारत का हिस्सा है। अब यह बात चीन भी मानना शुरू कर चुका है और चीन ने यहां तक कह दिया है कि अब वापस कर देना चाहिए पाकिस्तान को भारत का यह अहम हिस्सा। और इतना ही नहीं, चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अक्साई चीन, जिसे 1962 की जंग के दौरान चीन ने भारत से हथियार लिया था गलत तरीके से, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए और भारत के पीठ में छुरा भोंकते हुए चीन ने अपनाया था, अब उस हिस्से को भी चीन बिना किसी शर्त के वापस करने के लिए तैयार हो चुका है। चीन ने यहां तक कह दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है और शांतिपूर्ण तरीके से कब्जाए गए भारत के उन सभी इलाकों को देने के लिए तैयार है। अब आप एक बात तो समझ चुके हैं कि चीन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब तक क्वाड में सिर्फ और सिर्फ चार सदस्य थे, एक अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और तीन सबसे अहम देश जो कि चीन को इर्द गिर्द से घेरते हैं, वह भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल अमेरिका का है, जो दूर से बैठकर भी चीन को लगातार निशाना बना रहा था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि जल्दी क्वाड के चार सदस्य देशों में इसराइल को भी शामिल करने की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसराइल भी इस समूह के अंदर शामिल हो जाता है तो यकीन मानिए कि चीन की हालत पस्त होने वाली है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सभी देश एक बार मौका देते हैं, लेकिन इसराइल वह देश है जो किसी देश को मौका तक नहीं देता है वापस से खड़ा होने के लिए। और चीन इस बात को बखूबी समझता है और चीन को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर चीन ने एक बार आक्रामकता दिखाई तो क्वाड के इन समूह देशों में सबसे पहले अगर किसी का हाथ उठने वाला है तो वह कोई और नहीं, इसराइल और भारत होने वाले हैं। भारत अपने क्षेत्र को लेकर के पूरी तरह से अग्रेसिव है और भारत यह जानता है कि अपने क्षेत्र को किस तरह से अखंड भारत बनाना है। तो जिस तरह से अभी बीते दिन पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अपनी स्पीच में सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चुनौती दी है, वह चुनौती सच करने में भारत को कोई समय नहीं लगने वाला है और यह बात पाकिस्तान भी बखूबी समझ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान अगर भारत को आंखें दिखाता है और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान का युद्ध भारत के साथ होता है तो पाकिस्तान एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सड़क पर आ जाएगा। और सबसे अहम बात, चीन इसमें इसका सपोर्ट अब नहीं करने वाला है, क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान को इतना पैसा दे चुका है उधार में कि अब वह पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वास्तव में चीन सुधरा तो बिल्कुल भी नहीं है, या आप हम बेहतर समझते हैं कि चीन मौका अगर अभी भी पाएगा तो पेट में छुरा भोंकने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब चीन में भी हवा बदलती हुई नजर आ रही है और भारत की ताकत इस समय इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर के तमाम देश
भारत की हर एक बात पर सहमत है और यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन और पाकिस्तान को 162 देशों ने लताड़ लगाई है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए हैं और भारत को पियोके देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर बीच में पाकिस्तान फिर से बखेड़ा खड़ा करता है तो भारत सख्त कदम उठाकर भारत पीओके को छीना जानता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से पीओके हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।